आज गुल्ली बुल्ली सोन मिलकर सोन का नया घर बना रहे हैं। सभी लोग सोन के नए घर पे काम पे लगे हैं। सोन अपनी जेसीबी से घर के पीछे की खुदाई कर रहा है, गुल्ली पौधा लगा रहा है और इधर बुल्ली घर के चारों तरफ दीवार बना रहा है। दीवार बनाते बनाते बुल्ली देखता है कि यहाँ तो लकड़ियाँ सारी खत्म हो गई हैं। बुल्ली तुरंत गुल्ली और सोन को बुलाता है। गुल्ली सोन और गुल्ली से कहता है, सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं, हमको जल्दी लकड़ियाँ लानी होगी। सोन कहता है, इतनी रात को लकड़ियाँ हमको कहाँ मिलेगी। गुल्ली कहता है, टेंशन मत लो, हम लोग जंगल से लकड़ियाँ काट लाएंगे और हमारे पैसे भी बच जाएंगे। ये सुनकर सोन बहुत खुश हो जाता है। वो कहता है, हाँ हाँ ये ठीक है, वो देखो मेरा ट्रैक्टर भी खड़ा है, हम लोग ट्रैक्टर से चलेंगे लकड़ियाँ काटने। गुल्ली कहता है कि हम लोगों में से किसी को भी पेड़ काटना नहीं आता है। गुल्ली कहता है कि चलो हम लोग बाबा को भी साथ में ले लेते हैं। ठीक है बुल्ली। सभी लोग आकर ट्रैक्टर पे बैठ जाते हैं। सोन गुल्ली और बुल्ली से कहता है कि आज ट्रैक्टर मैं चलाऊंगा। गुल्ली सोन से कहता है, तुमको ट्रैक्टर चलाना आता भी है सोन। सोन कहता है, तुम टेंशन मत लो, मैं ट्रैक्टर चलाऊंगा नहीं, मैं उड़ाऊंगा। इतना कहकर सोन ट्रैक्टर को स्टार्ट करता है और ले जाकर पेड़ में ठोक देता है। गुल्ली बुल्ली को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है। गुल्ली सोन से कहता है, लाओ ट्रैक्टर मुझे दो। सभी लोग ट्रैक्टर से बाबा के घर की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली सोन बाबा के घर पहुंच जाते हैं। बाबा कसरत करने में व्यस्त हैं। बाबा क्योंकि अपनी बॉडी बना रहे हैं। गुल्ली बुल्ली सोन ट्रैक्टर से नीचे उतरते हैं। गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा के पास आते हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन को देख के कहते हैं, क्या हुआ गुल्ली बुल्ली और सोन, तुम इतनी रात को यहाँ क्यों आए हो। गुल्ली कहता है, बाबा हम सोन का नया घर बना रहे थे, लेकिन घर बनाते बनाते सारी लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। अभी चलकर हमको जंगल से लकड़ियाँ काट के लाना होगा। बाबा कहते हैं, अगर ऐसी बात है तो जंगल चल के लकड़ियाँ काट के लाते हैं और सभी लोग मिलकर सोन का नया घर बनाते हैं। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा भी आकर ट्रैक्टर में बैठ जाते हैं। बाबा ट्रैक्टर को लेकर जंगल की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर में सभी लोग जंगल में पहुंच जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन ट्रैक्टर से नीचे उतरते हैं। सोन कहता है, बाबा वो देखिए, वहाँ एक बहुत बड़ा पेड़ है, उस एक पेड़ से हमें सारी लकड़ियाँ मिल जाएंगी। बाबा कहते हैं, चलो ठीक है, चलो उस पेड़ को काटते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन उस पेड़ को काटने लगते हैं, लेकिन इन्हें पता नहीं है कि वो जिस पेड़ को काट रहे हैं वो सापित पेड़ है। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन जैसे उस पेड़ को काटने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक पोर्टल खुल जाता है। वो पोर्टल गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन को अपनी तरफ खींचने लगता है। एक एक करके सभी लोग उस पोर्टल के अंदर चले जाते हैं। सभी लोग उस पोर्टल से होके नीचे जा रहे थे। सभी लोग थोड़ी ही देर में दूसरी दुनिया में आके गिर जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन उठते हैं और सोचते हैं कि हम लोग पता नहीं कहाँ आ गए हैं। गुल्ली बाबा से कहता है, बाबा हम लोग इस जगह पे कैसे आ गए हैं। बाबा कहते हैं, जरूर ये कोई दूसरी दुनिया है, हम लोग जिस पेड़ को काटने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई सापित पेड़ होगा, हमको उस पेड़ को नहीं काटना चाहिए था, हम लोगों को जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। गुल्ली और सोन ये सुन के बहुत डर जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं, वो देखो सामने एक छोटा सा गाँव है, चलो वहाँ पर चलते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन उस घर की तरफ जाने लगते हैं। वो लोग उस गांव के पास आते हैं। वहाँ आके गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा देखते हैं कि पूरे गांव में मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर हैं। वहाँ एक भी इंसान नहीं था। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन ये देख के समझ गए थे कि वो लोग बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। बाबा गुल्ली बुल्ली और सोन से कहते हैं, जरूर ये कोई जादुई दुनिया है। एक मिनट रुको, मैं शायद इस दुनिया के बारे में जानता हूँ, मैंने इस दुनिया के बारे में अपनी दादी से सुना था, जरूर ये मॉन्स्टर नगरी है, मेरी दादी ने मुझको बताया था कि यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर रहते हैं और यहाँ पे एक मॉन्स्टर राजा का राज है। जो भी इंसान इस मॉन्स्टर नगरी में आता है, ये राजा उसको पकड़ के उसको भी मॉन्स्टर बना देता है। मेरी दादी ने मुझको सिर्फ इतना ही बताया था, इसके आगे का मुझे कुछ नहीं पता। बुल्ली बाबा से कहता है, बाबा हम लोग यहाँ से निकलेंगे कैसे।
बाबा कहते हैं यहाँ से निकलने का रास्ता तो मुझको भी नहीं पता है, लेकिन हम लोगों को यहाँ से जल्दी से जल्दी निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, वरना यहाँ का राजा हम लोगों को भी मॉन्स्टर बना देगा। गुल्ली बुल्ली, बाबा और सोन ये सारी बातें कर रहे थे, तभी गांव के एक मॉन्स्टर की नज़र गुल्ली बुल्ली और बाबा पे पड़ जाती है। वो मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली बाबा को देख के बहुत हैरान हो जाता है। वो मॉन्स्टर गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन से कहता है, तुम लोग तो इंसान हो, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ये मॉन्स्टर नगरी है, यहाँ सिर्फ मॉन्स्टर ही मॉन्स्टर रहते हैं। लगता है तुम लोग जासूस हो और तुम इस मॉन्स्टर नगरी में आए हो। अब तुम लोगों को भी हम लोग मॉन्स्टर बना देंगे। इतना कह के वो मॉन्स्टर दौड़ के वहाँ से जाने लगता है। गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा ये देख के बहुत डर जाते हैं। बाबा कहते हैं, हम लोगों को यहाँ से जल्दी भागना होगा, नहीं तो वो मॉन्स्टर अपने राजा को बता देगा और वो राजा हम लोगों को पकड़ लेगा और हम लोगों को पकड़ के मॉन्स्टर बना देगा। बाबा कहते हैं, वो देखो वहाँ एक घर है। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन दौड़ के उस घर में जाके छिप जाते हैं। गुल्ली बुल्ली बाबा और सोन उस घर में छिपे हैं। इधर वो मॉन्स्टर जाके ये सारी बातें अपने राजा को बता देता है। राजा गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को पकड़ने के लिए सारे सैनिकों को भेज चुका है। सारे सिपाही गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा को चारों तरफ ढूंढ रहे हैं। तभी एक सिपाही की नज़र गुल्ली बुल्ली सोन और बाबा पे पड़ जाती है। वो देखता है कि कुछ लोग एक घर के अंदर जा रहे हैं। सारे सिपाही दौड़ के उस घर की तरफ आते हैं। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है, क्या सिपाही गुल्ली बुल्ली और सोन बाबा को पकड़ लेंगे? क्या बाबा इन सिपाहियों को मार के यहाँ से भाग जाएंगे? अगर आपको जानना है तो आपको देखना होगा गुल्ली बुल्ली और मॉन्स्टर नगरी का पार्ट 2। हमारी अगली वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि जब अगली वीडियो पोस्ट हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए और शेयर करिए, और देखते रहिए आपका अपना चैनल मेक जोक इन हॉरर। धन्यवाद, नमस्कार।